मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के साथ हमारे को एक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं जो हमने कल बात करी थी कि हमारे यहाँ पे ए वेव खत्म हो चुकी है, यहाँ से हम बी वेव के लिए चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही यूक्रेन ने जो अटैक किया रशिया के ऊपर, उसकी न्यूज़ आते ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, एक फॉल देखने को मिला। तो बात करते हैं कि जो हमने कल वेव काउंट्स करे थे, क्या वहाँ पर हमारे को चेंजिंग करने की ज़रूरत है या अभी भी हमारे वही काउंट्स वैलिड हैं? अगर हम कल मार्केट ओपन होती तो क्या क्या क्राइटेरिया पे हमारे को ध्यान रखना है, तो वो आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। गाइस आगे चलने से पहले, अगर आप इलेट वेव थ्योरी खुद से करना चाहते हो, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इलेट वेव थ्योरी का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे गया, आप वहाँ जा करके बात करके अपनी इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी मैंने आपको मार्किंग दे ही रखी है। जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये वाला हमारा जो वेव काउंटर जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, 1, then 2, 3, then 4, then 5, जिसके अंदर मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एंडिंग डायगोनल बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, राइट। इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ मार्क, तो ये मेरा एंडिंग डायगोनल है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये नीचे की तरफ आया, ठीक। बट अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे करता तो यहाँ पर जो ये 3 है, यहाँ पर अगर मैं इसको 4 यहाँ पे कर देता हूँ और इस वाले लेवल पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पे कल हमारे को एक गैप डाउन देखने को मिलता है, जो कि हमारे को एक वॉर का इंपैक्ट अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारे एक 5th leg, एक लास्ट लेग हमारा भी मे बी हमारी नीचे जाती है हमारे को देखने को मिल सकती है। बिकॉज अभी तक हमारे 3 ही सबॉर्डिनेट बनते नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे को यहाँ पे ए बी देन सी, 3 सबॉर्डिनेट में ही मार्केट हमारे ऊपर गई है, जिसलिए हम यहाँ पर इसको जो है इम्पल्स वेव में काउंट अभी मैं नहीं कर रहा। अगर कल मार्केट एक सस्टेन कर लेती ऊपर और अपसाइड की तरफ जाती है, देन मेरा जो वो जो काउंट आपके साथ मैंने शेयर किया था उसी काउंट को ही वैलिड रखेंगे। और यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको ये वाला जो मूव है, ये हमारा ए जो हमारा ए बी सी में गया है, हमारा 1 हो जाएगा, देन ये 2, then 3, then 4, then 5, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लीडिंग डायगोनल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये हम बात कब करेंगे, जब ये पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर मार्केट सस्टेन होती नजर आएगी या मार्केट अगेन जब इस लेवल के ऊपर आएगी, तब हम इस सिनेरियो को देखने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अगर मार्केट में कल गिरावट आती है, देन हम फिर यही कोशिश करेंगे कि हमारा ये 4th wave है, 5th wave के लिए हमारे को एक डाउन साइड का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, देन वो देखने को मिल सकता है। उस केस में आप 15 मिनट से जगह आप कर लेंगे 1 आवर, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा 1, 2, 3, then 4, then 5 में हमारे को एक डाउन साइड का एक जो पेंडिंग मूव है वो मे बी अभी भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मे बी एक लग और डाउन साइड में जा सकती है। जब वो चली जाएगी, 5th wave कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, तो इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी हमारे को पैटर्न कंफर्मेशन आ जाएगी। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2-4 trendline इस तरीके से लगा लेंगे, जैसे हमारे 2-4 trendline ब्रेक होगी, पैटर्न कंफर्मेशन देगा, देन हम तब भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे को ये देखना है कल मार्केट सस्टेन करती है या गैप डाउन खोलती है, गैप अप खोलती है, तो कल थोड़ा सा ये जो लास्ट मोमेंटम्स है वहाँ पर हमारे को देखने की जरूरत है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर था, मैंने आपको बोला ही था कि बैंक निफ्टी भी मेरे को एक डाउन साइड का लेग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया है ये अपने आप में पूरा पूरा एक करेक्टिव नेचर में ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर जो करेक्शन कर रहा था यहाँ पे इंपल्सिव नहीं बन रहा था, और यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो इसके अंदर मैं हार्डली पॉसिबल यही था कि मेरे को डाउन साइड का पैटर्न देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को बेरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो मैंने कल वाली वीडियो में आपसे बात करी। तो आज जो हमारे को जो वॉर का इंपैक्ट देखने को मिला, जिसके कारण आज गिरावट आई है सेकंड हाफ में, तो वो हमारा निफ्टी के अंदर भी आई है, बैंक निफ्टी में भी है, स्टॉक्स में भी आई है, तो ऑल ओवर मार्केट के अंदर हमारे को वो इंपैक्ट देखने को मिला है। तो मे बी अगर हमारे को बैंक निफ्टी में अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है जिसके अंदर 1, then 2, 3, then 4, then 5, तो वो भी एक हमारी लास्ट नीचे की डिप वाली लेग होगी, एक पैनिक क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं वो हमारा बॉटम होगा, देन फिर हमारा कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बाउंस लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो फिलहाल कल देखते हैं, अगर यहाँ से हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिलता है, देन अपसाइड की तरफ काम करेंगे, और अगर एक आध कोई हमारे को डाउनसाइड की लेग मिलती है, तो फिर हम उसकी जो है कोशिश करेंगे, जब हमारे को वो सस्टेन होगा देन वो एंट्री करने की प्लानिंग करेंगे। होपफुली गाइज आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।